का स्कोर था, मेरे 3 पॉइंट थे, नाइजीरिया के पहलवान के 5 पॉइंट थे, और मात्र 10 सेकंड कुश्ती के शेष बचे थे जब मैंने घड़ी के ऊपर, मैंने कुश्ती करते करते मैंने घड़ी की तरफ लुक किया तो मात्र 10 सेकंड थे। तो उसमें मैंने जय बजरंग बली बोल के और आत्मविश्वास से एक धाक टेक्निक होती है वो अप्लाई की, और धाक टेक्निक के अप्लाई करते ही उसमें 3 पॉइंट मिलते हैं, अगर वो टेक्निक सक्सेसफुल होती है तो 3 पॉइंट मिलते हैं। तो वो 3 पॉइंट मुझे मिले और बिगुल बज गया, समय वहीं समाप्त हो गया। तो वो बहुत अच्छा क्षण था कि मेरे 3 पॉइंट थे वहीं मेरे 6 पॉइंट हो गए और नाइजीरिया के पहलवान के 5 रह गए और समय समाप्त हो गया। तो मैं समझता हूँ वो बड़ा सरप्राइज रहा मेरे लिए, ग्रीको रोमन के लिए। कुदरत ने मेरा बड़ा साथ दिया है, भगवान ने मेरा साथ दिया है, मेरी माता पिता गुरुओं की दुआएं साथ थी जो मैं वहाँ पर सिल्वर मेडल आते आते स्वर्ण पदक जीता। और ना सिर्फ स्वर्ण पदक जीता बल्कि कॉमनवेल्थ का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि दुनिया का पहला पहलवान होने का गौरव हासिल किया मैंने। और वो क्षण आज भी मुझे याद है, और वो बातें भी मैं अगर याद करता हूँ तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इसके अलावा इतने लंबे करियर में कई उपलब्धियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे यादगार उपलब्धि या सबसे यादगार एक या दो उपलब्धियाँ तो वो कौन सी है? देखिए, जो जिंदगी की पहली कुश्ती होती है, जैसे कहा जाता है कि अगर आपका पहला प्यार है तो वो पहला प्यार कभी आदमी भूलता नहीं है, कोई भी मनुष्य होगा वो भूलेगा नहीं। तो निश्चित तौर पे खिलाड़ी जो पहला क्षण, जो पहला कुश्ती, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एम होता है और खिलाड़ी जीतता है, तो 89 में जब केडी मोहम्मद को 8-1 से हराया था और वहीं से मेरी कुश्ती की असली शुरुआत हुई है, तो वो क्षण मैं आज तक नहीं भूला हूँ। इसके अलावा 1994 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जहाँ पे मैंने कनाडा, नाइजीरिया, पाकिस्तान इन पहलवानों को हराया था और कांस्य पदक मैंने प्राप्त किया था 1994 में। तो वो क्षण भी मुझे याद है। और किसी भी उपलब्धि को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई खिलाड़ी है, जैसे माँ बाप हैं तो सभी बच्चों को एक समान देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सभी उपलब्धियाँ मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ उपलब्धियां हैं जिन्हें मैं आज भी एकांत में होता हूं या कई बार सोचता हूं तो उनके बारे में जरूर मैं मनन करता हूं। आपने गद्दे की कुश्ती में तो उपलब्धियां हासिल की, कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे मिट्टी की कुश्ती, जो देसी हमारी स्टाइल है, उसमें भी उपलब्धियां या सफलताएं हासिल करना चाहिए? देखिए, आज एक आधुनिक युग है और सारी दुनिया ओलंपिक की तरफ जा रही है, और एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जो महान प्रतियोगिताएं हैं, महाकुंभ है स्पोर्ट्स के, उनमें पदक जीतना चाहती है। जब इंडियन स्टाइल कुश्ती या गुल्ली डंडा या रिपस पाला या कंचे, ये खेल उनमें शरीक ही नहीं किए गए हैं, और अगर उनमें चैंपियन भी बनता हूं तो ना ही मेरे को इंक्रीमेंट मिलेगा, ना ही मेरे को प्रमोशन मिलेगा, ना ही मेरे को कोई अच्छा जॉब मिलेगा, तो ऐसा काम क्यों करना जो